अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इमी और मैं हूँ तानी और आज हम जॉर्डन में खड़े हुए हैं और हमारी पिछली वीडियो में हमने पेट्रा का लॉस्ट सिटी एक्सप्लोर किया था। तो भैया आज हम जिस जगह खड़े हुए हैं ये निहायत पॉपुलर डेस्टिनेशन है। लोग जो जॉर्डन आते हैं या जॉर्डन आने का शौक रखते हैं वो ये जगह जो है मिस बिल्कुल नहीं करते। इस जगह का नाम है वादी रम। तो वादी रम जो है भाई वो दो तीन वजूहात की वजह से बहुत मकबूलियत पर हामिल है। सबसे पहली वजह ये है कि यहाँ पे काफी हॉलीवुड की मूवीज जो है पिक्चराइज हुई हैं, जिनमें से पहली जो है मार्शन है। तो उस मार्शन मूवी ने ऐसी धूम मचाई कि यहाँ पे जो है सेरा में उन्होंने जंगल में मंगल बना दिया है। यहीं पे उन्होंने मार्शन कैंप्स और लग्जरी कैंप्स जो है सेटअप किए हुए हैं और लोग यहाँ पे स्टार गेजिंग के लिए आते हैं। यहाँ पे ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करने आते हैं। तो आज हमारा भी यही प्लान है कि हम लोग जाएं और ऐसी ही मार्शन में जो है वो एक रात के लिए रुके और फिर यहाँ पे रेगिस्तान में मुख्तलिफ एक्टिविटीज है जैसे कि जीप टूर्स है, उसके अलावा लोकल लोग जो है ट्रेडिशनल खाना बनाते हैं वो खाएं और फिर ये सारा एक्सपीरियंस जो है वो कवर करने की कोशिश करें, आप लोगों को दिखाएं कि ये किस तरह से होता है। वी गोना गो इनसाइड 20 मिनट का रास्ता है यहां से, वी गोना गो टू द वादी राम विजिटर सेंटर। डाले पे हम लोग सवार हो चुके हैं, सामान सारा हमने लोड कर लिया है और हम लोग निकल गए पार्किंग लॉट से। तो वो पार्किंग लॉट है जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी छोड़ दी है और कल दोपहर को वापस आएंगे गाड़ी उठाने के लिए और फिर यहाँ से निकलेंगे। लेकिन अब ये डाला जो है मैं लेके जा रहा है कैंप साइट तक जहाँ पे मार्शियन बबल्स हैं। तो वादी रम का पहला झटका लग चुका है जोर से। जो जो सुबह खाया था नाश्ते में सब उछलना शुरू हो गया। जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की है वहाँ से तकरीबन 10-12 मिनट की जो है ये जीप राइड होती है। और अच्छी बात ये है कि हमारा जो कैंप है वो रिमोट एरिया में है, वो बिल्कुल मेन जो इनका विजिटर सेंटर बना हुआ है उसके बिल्कुल साथ नहीं है। उसकी दो वजूहात हैं मेन। पहली वजह ये है कि वहाँ से पूरा आपको जो नाइट का व्यू होता है स्टार गेजिंग कर सकते हैं आराम से, ज़्यादा रोशनियाँ नहीं होती हैं आसपास, करीब में कोई और टेंट या कैंप नहीं होते। दूसरा ये कि वहाँ से फिर ये डेजर्ट पे जो आपको लेके जाते हैं सनसेट टूर्स होते हैं, जो सनराइज टूर्स होते हैं वो काफ़ी करीब है। थोड़ी सी ना वो खुरक शुरू हो गई है कि यार जैसी करीब से करीब तक पहुँच रहे हैं तो कैसे लगते हैं ये, हमेशा हमने मूवीज़ में देखा था। सबसे पहली मूवी मुझे याद है मैट डेमन की जो मार्शियन थी, उससे ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। उसमें ये इन्होंने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किए थे इस तरह के बबल और फिर वहाँ से वो लोगों को इतने पसंद आए लोकल्स को कि उन्होंने बोला चलो यार इसको एक लुक्रेटिव बिजनेस में तब्दील किया जाए। और फिर दूर दूर से जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं जॉर्डन घूमने वो यहाँ आना शुरू हो गए। तो हम लोग पहुँच गए कैंप साइट पे, नीचे उतरते हैं सामान वामान रखते हैं नीचे, फिर आपको अंदर का सीन दिखाते हैं। So welcome to you guys. Your reservation for the day is the panoramic bubble, 5-star bubble, the one where you can see the stars through. And your reservation also includes breakfast and dinner. Okay, these are your passports. I put you on the front line. Your room is going to be panoramic, 17. Okay. Thank you so much. अजीब फीलिंग आ रही है, लिटरली लग रहा है हम मार्स पे अराइव कर चुके हैं वाया कार। और छोटे छोटे टेंट्स में हैं लाइक लिटिल नॉर्मल लग्जरी टेंट्स और फिर पैनोरामिक डोम्स बने हुए मार्शियन टेंट्स, तो काफ़ी इनसेन फीलिंग है। तो मेरे पीछे हमारे सारे बबल फ्रेंड्स और नेबर्स हैं जो कि दूसरे बबल्स में रह रहे हैं। वी आर एक्चुअली इन द लास्ट वन विच इज़ अमेजिंग बिकॉज हमें प्राइवेसी मिलेगी, नया भी साथ है। वी आर इन बबल नंबर 17। ओफ, इट इज माइंड ब्लोइंग, लेट्स गो इनसाइड। सो व्हेन यू एंटर दिस इज लाइक द बेसिकली द बेडरूम एरिया, देयर इज अ मैसिव बेड, ये आई थिंक डबल किंग है, इट इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। मुझे लाइक इसकी एस्थेटिक से प्यार हो गया है, इट इज़ सो रॉयल और लग ही नहीं रहा कि हम एक डेजर्ट में हैं इस वक्त। इट इज़ 40 डिग्रीज आउट देयर लेकिन अंदर का टेम्परेचर है 16, सो ओनली इन वादी राम कैन यू डू दैट। लुक एट दीज लाइक गॉर्जियस लैम्प्स, आई थिंक इट मेक टोटल लाइक अलादीन वाली फील आ रही है। और जो अलादीन मूवी रिसेंटली जो बनी थी दैट ऑल्सो वॉज फिल्म्ड इन वादी राम, तो आई थिंक काफ़ी बबल्स उससे भी इंस्पायर है जो उनका डिकोर है। सो लुक एट दिस चैंडेलियर, तो एक साइड बबल का मार्बल है और दूसरा साइड कंप्लीट ग्लास है
और इंशाल्लाह रात को हमें स्टार्स नजर आएंगे, शाम को सनसेट नजर आएगा। अभी जो पर्दे डाले हुए इन्होंने, दे विल लाइक लिटरली टेक इट ऑफ अराउंड 6 o'clock, बिकॉज़ अभी बहुत तेज धूप है, सो दे हैवंट डन दैट, बट इट इज गोना बी सो गुड ओवर हियर। ओ माय गॉड, देयर इज अ कॉफी मशीन। व्हाट, आई डिड नॉट नो दैट देयर वाज गोना बी अ कॉफी मशीन हियर। देयर इज अ फुल ऑन कॉफी मशीन, little mini bar set up over here, tea, coffee, मतलब जो भी आप चाह रहे हैं आपको मिल जाएगा फॉरन। That is so good. हमारा dinner और breakfast covered है, so वो बहुत अलग experience होने वाला है। Right next to the door एक dressing table भी है यहाँ पे, which is great for me especially, because makeup भी लगाना होता है सुबह सुबह। और bathroom, so this is the gorgeous bathroom when you enter, हमारे bed के बिल्कुल पीछे है ये। I just like love के यहाँ पे red towels हैं और bathrobes हैं, that is just super royal and luxurious। और ये जो full marble वाला है, I just like love the look। Shower भी काफी spacious है, I cannot imagine showering in the bubble। लेकिन होगा ये, बिकॉज टूर के बाद जो आप लेते हो सनसेट पे, उसके बाद आप बहुत मडी और डस्टी हो जाते हो। सो दैट इज द कंप्लीट बबल टूर। तो हमने चेक इन कर लिया है मार्शन में, अपना सारा सामान वामान जो है रख दिया है। यहाँ पे तीन चार किस्म के बने हुए टेंट्स, एक तो बबल है जो मार्शन है जिसकी वजह से वादी रम कहलाता है, उसके अलावा यहाँ पे जूनियर स्वीट भी है जो कि इस तरह का दिखता है, और उसके अलावा यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़े से इकोनॉमिकल कैंप्स और टेंट्स भी हैं, जो लोग थोड़ा सा कम बजट के ऊपर हैं तो उनके लिए वो सारी फैसिलिटीज भी हैं। हम अभी जा रहे हैं यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है, और वो रेस्टोरेंट जो है वो भला कहाँ है, वो भी एक बबल के अंदर है। इट्स क्रेजी। तो जो डिनर लंच और ब्रेकफास्ट है वो एक ह्यूज से बबल में सर्व होता है, एंड इट्स बेसिकली लाइक अ कम्युनिटी हॉल टाइप ऑफ थिंग, बिकॉज़ इट्स सो मैसिव। इट्स रियली नाइस बिकॉज़ आई थिंक सोशलाइज भी कर पाएंगे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग रुके हैं, इट्स टोटली फुली बुक्ड टुडे। और असल एक्शन जो है ना वो शाम 6 बजे के बाद शुरू होगा, जब ये कवर्स जो है डोम्स के ऊपर से, मार्शियंस के ऊपर से हटाएंगे, और फिर आफ्ताब जो है वो गुरूब होगा, चांद जो है वो नमूदार होगा। अच्छा, तो बिग बॉल जो है हमारे बिल्कुल सामने है, और जब उसने रिसेप्शन पे जो बंदा काम कर रहा है उसने हमसे कहा था कि एक बिग बबल होगा, बड़ा सा मार्शियन, उसमें रेस्टोरेंट है, तो मुझे समझ नहीं आया था, अब आ गया समझ। हमारे आयशा लग्जरी कैंप का कैफ़े, अब ये रात के 12 बजे तक खुला रहता है, और इसकी सबसे अमेजिंग सबसे यूनिक चीज़ ये है कि लिटरली हम पत्थर के नीचे बैठे हुए हैं, सो ये है लाइक रियल लाइफ माउंटेन कार्व्ड आउट, और इधर लाइक एक लग्जरी डाइनिंग एरिया बना हुआ है, यहाँ पे आप स्मूदीज, ड्रिंक्स, कैफे आइटम्स, सारी चीज़ें ले सकते हैं, एंड आवर टेबल इज़ राइट देयर। वी आर गोना ऑर्डर सम फ्रूट सैलड। Everything so far has been super luxurious, like golden detailing and everything like that, and I just like love it, I just love it, it is the best getaway that you can imagine, and of course abhi garmi bhi hai to like full feel aa rahi hai desert getaway ki. Acha, 6:30 pe hamara jeep tour hai, so we're going to have the sunset jeep tour organized by the camp as well. Bahut maze ka mahol hota hai, so I'm like really really excited for that. तो ऑफकोर्स गर्मी में फ्रेश फ्रूट खाने का अपना मज़ा है, एंड हाउ गॉर्जियस इज़ दिस फ्रूट प्लैटर। लाइक एक तो ये कैफ़े बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग है, लेकिन ये प्लैटर भी, ओह होए, किससे शुरू करूँ, आई हैव अ स्ट्रॉबेरी, सो स्वीट। शाम के 6 बज चुके हैं, कवर जो है मार्शन के ऊपर से उन्होंने उतार दिया है, और अब वक्त आ गया है बिग रिवील का भाई। तो अब पर्दे खोलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि मार्शन डोम जो है वो कैसा लगता है बगैर कवर्स के। तो भाई ये है हमारा आलीशान किस्म का मार्शन डोम। तो यहाँ पे हम लोग आप लोग एक्साइटमेंट का आलम देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम सब, खुला आसमान उसके नीचे हम लोग, और ये शानदार किस्म का मार्शल, क्या खूबसूरत जगह है भाई, वाकई में वाकई में।
अच्छा तो हम जिस मार्शल में रुके हैं, मैं इसकी प्राइस भी आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। तो ये हमें पड़ा है तकरीबन 350 USD पर नाइट का। तो यहाँ पे आपको दीगर मार्शल्स मिलेंगे, बहुत सारे कैंप्स हैं, हर बजट के बंदे के लिए उन्होंने यहाँ पे बंदोबस्त किया हुआ है। अगर आप नॉर्मल टेंट्स में रहना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है और वो थोड़ा सा चीपर है। जाहिर है ये जो है वंस इन अ लाइफ टाइम चीज है भाई, ये बार बार आप नहीं करते जॉर्डन आके। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ये भी बताना चलूं कि यहाँ पे और बहुत अच्छी कंपनीज हैं। हम जिस कंपनी के साथ रुके हैं इनका नाम है मेमोरीज आयशा। तो ये एस्थेटिकली यहाँ की सबसे पॉपुलर सबसे अच्छी जगह है, जहाँ पे इस तरह के डोम्स हैं, जहाँ पे बबल्स हैं इस तरह के, जहाँ पे आप लोग आराम से रुक सकते हैं। और हमने यही सोच के ये बुक किया है। अब तक का मेरे ख्याल से हमने जितनी भी कंट्रीज विजिट की है ये हमारा दी बेस्ट मेरे ख्याल से स्टे है अब तक का। तो हमारे यहाँ पे टूर गाइड जो है आ चुके हैं, इनका नाम है अली जैक्सन और ये हमें लेके जा रहे हैं यहाँ पे सनसेट दिखाने के लिए वादी रम में। और यहाँ पे ये पीछे जो है ये डाला है, इसमें सवार होंगे हम लोग। और ज़ाहिर वादी रम जो है भाई वो पूरा रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान का सनसेट जो है ना वो एक अलग ही मंजर पेश करता है। तो चलते हैं जल्दी से इंजॉय करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कैसा लगता है जॉर्डन वादी रम का सनसेट। थैंक यू अली। अच्छा इनकी ये जो ये जीप्स हैं, इनकी सबसे फिट चीज़ ये है कि इन्होंने ऊपर जो है इस तरह से कपड़ा जो है तरपाल सी जो होती है वो डाली हुई है, तो धूप या गर्मी अगर ज़्यादा हो तो बचत हो जाती है। लेकिन खैर अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि शाम का टाइम है, सूरज तकरीबन गुरूब होने वाला है। सो आई विल गिव यू द प्राइस, इट्स अबाउट 15-20 जॉर्डेनियन दिनार पर आवर। और इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू डू द 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर टूर। हम एक घंटे 1.5 आवर का रफली देख कर रहे हैं बिकॉज दैट्स द मैजिक सनसेट टाइम। और ये हमें तकरीबन 20 JD का पड़ रहा है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। यहाँ पे कैमल राइड भी हो रही है यार, ये सब चल रहा है। अली जैक्सन ने जो है भाई वो व्हील छोड़ दिए, सो हु इज ड्राइविंग द कार। ये तो वाकई में जैक्सन निकला। नाइस। पहली दफा मैं जिंदगी में ये देख रहा हूँ डेजर्ट सफारी में कि कोई बंदा दरवाजे के ऊपर बैठ के गाड़ी चला रहा है। हमें यहाँ पे अली भाई जो है हमारे माइकल जैक्सन जो है वो लेकर आ गए। ये व्यू पॉइंट है, तो हम लोग ये क्लिफ ये जो पहाड़ देख रहे हैं ये चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, ये बहुत मुश्किल लग रहा है ना यार, साल को मैं कह रहा हूँ पीछे रुको तुम लोग। यल्ला यल्ला हबीब, लेट्स गो। अच्छा यहाँ पे मजेदार सीन ये है, सब अरबी में बात कर रहे होते हैं, हमें आती नहीं है, तो हम बोल देते हैं शोए शोए या हबीबी हैया हैया। Honestly, the most amazing sunset of our lives, like view, मौसम, ये जगह, it's a vibe, और मतलब इतनी relaxation नहीं हो सकती थी। अली भाई ने फुल फायर पिट बना चुके हैं यहाँ पे, ये यहीं से उन्होंने लकड़ियाँ वकड़ियाँ और ये जो बांस वांस थी ये तोड़ी है और आग जल चुकी है। तो यहाँ पे अली भाई जो है वो हमारे लिए उम्दा किस्म की लोकल चाय बना रहे हैं और फुल बंदोबस्त के साथ आए। यहाँ पे केतली भी है, यहाँ पे चाय का सामान भी है, पानी वानी भी है, मिनरल वाटर, और यहाँ पे उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठा करके जो है वो आग भी जला ली है और यहाँ मैट बिछा दिया दरी सी ताकि इसके ऊपर हम लोग आराम से बैठ के चिल करें। और सामने सूरज ग़ुरूब तकरीबन हो गया है और ये नज़ारे और ये व्यूज़ और इसके साथ गर्मा गर्म चाय, वो भी लोकल्स के हाथ की बनी हुई, तो भाई शुक्र। तो यहाँ पे हमारे अली भाई जो हैं उन्होंने गर्मा गर्म चाय बना के हमें दे दी है। यहाँ की सैंड जो है इज कम्प्लीटली रेड। तो वादी रम में एक पॉइंट है जहाँ पे एक तरफ वाइट सैंड है और एक तरफ रेड सैंड है, और इस वक्त हम ये चाय रेड सैंड पे बैठ के पी रहे हैं। इट इज सो यूनिक। अमेजिंग सनसेट टूर करने के बाद अब हम डिनर के लिए आ गए हैं, विच इज़ गोना बी इन दिस जाइगेंटिक मार्शियन टेंट। खुशबू आ रही है और ट्रेडिशनल फूड पक गया है, लेट्स गो इनसाइड।
जा रही हैं, हम अभी से प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन क्या लेके आएगा टेबल तक. आई एम कीन फॉर द मोस्ट फेमस डिश हियर कॉल्ड द जर्द. ये आज की स्पेशल क्वीन डिश रहेगी. यस, चिकन प्लीज. यहाँ पे मेरे सामने जो है वो यहाँ की लोकल स्पेशलिटी जो है वो मौजूद है. इसका नाम है ज़र्ब. तो ये है वो डिश जिसके बहुत चर्चे हैं जॉर्डन में. तो चावलों में ये यखनी डाल के उसी चिकन की उसमें मुख्तलिफ सब्जियाँ डाल के उसको बिल्कुल अच्छे से जो है वो मिट्टी की लेप लगा के ऊपर से जो है पत्थर वत्थर और कोयले रख के छोड़ देते हैं मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे के लिए. बगैर इसको इंतज़ार करवाए मैं जल्दी से एक बाइट लूँगा ज़र्ब की. चिकन जो है वो बहुत मज़े की है. After a really really relaxing day, अब हम यहाँ पे कैंप फायर में इंजॉय कर रहे हैं. चाय बनी हुई है, इतनी बड़ी काली केतली में चाय बनी हुई है बिकॉज वो आग पे ही बनी है. और हमने खाना खा लिया है, बहुत मज़े का खाना था. एंड यहाँ आराम से लोग बिल्कुल टुन मोड में है, जेन मोड में है, और हम भी चाय पी के बिल्कुल रिलैक्स करने वाले हैं. मज़ेदार किस्म का जॉर्डेनियन बफे जो है वो खा के हम लोग वापस अपने बबल में आ चुके हैं. और मेरे ख्याल से रात के 12:30 बज रहे हैं और सब सो गए हैं, लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं. और मज़ेदार किस्म का माहौल है, बहुत अच्छी ठंडी मज़ेदार सी हवा चल रही है. और अब प्लान ये है कि बस अब सोएंगे क्योंकि सुबह का सनराइज़ देखना जो है वो लाजमी है, वो नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल. और इत्तेफाक से आज हमें यहाँ पे फुल मून भी मिल गया है. तो पीछे आप देख सकते हैं कि चांद जो है फुल आबोताब से चमक रहा है. मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे इन्होंने कुर्सियाँ डाली हुई हैं हमारे लिए, तो आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हो और ये खूबसूरत से जो नज़ारे हैं ना ये इन्जॉय कर सकते हो. तो ये कुर्सी है, मुझे नहीं पता आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं क्योंकि लाइट थोड़ी सी कम है, लेकिन क्या मैजिकल जगह है यार, क्या खूबसूरत जगह है. एक अलग ही वाइब है, एक अलग ही एनर्जी है. शोर शराबे से बिल्कुल दूर, सन्नाटे में, रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में, ये वाकई में मिस करने वाली चीज़ नहीं है. मौका मिले तो ज़रूर करें. अभी सोते हैं, सुबह आपसे मिलते हैं. वीडियो अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि अभी सनराइज़ दिखाएंगे आप लोगों को. अभी नाश्ता करना है और फिर जाहिर है इस जगह को अलविदा भी कहना है और फिर आगे निकलना है सफर पे. गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है एंड इट वाज ऑनेस्टली वन ऑफ द बेस्ट स्लीप्स ऑफ आवर लाइव्स. यहाँ का जो बेड है वो इतना कंफर्टेबल था. आई लिटरली वाज सेइंग टू तानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्लाउड्स पे लाइक फ्लोट कर रही हूँ. इट वाज सो रिलैक्सिंग. और मेरी आँख एक्चुअली 2 या 3 बजे खुली थी एंड आई जस्ट ओपन द कर्टन्स और पूरे स्काई पे स्टार्स थे. एंड देन वी वोक अप फॉर सनराइज. इट वॉज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और आई एम श्योर कि मैं ये कभी भूलूंगी नहीं. अब हम ये करेंगे कि वी एक्चुअली हैव टू गो अगेन टू द बिग डोम फॉर ब्रेकफास्ट. तो नाश्ता करेंगे, थोड़ा सा और रिलैक्स करेंगे एंड देन वी आर गोना हेड टू अमान. दिस प्लेस इज beyond words. It's like basically a whole experience in itself. Arriving here and then seeing your room, the sunset tour, aur phir raat ko khana aur relax karna fire ke samne, it is just like making memories of a lifetime. Aur phir jab aap phir se subah uthte and you just do not want to leave. Kaash yahan pe hamare paas 2-3 aur din hote, but unfortunately we have to leave today. Give me.
यहाँ पे हमने शानदार किस्म का नाश्ता जो है वो शुरू कर दिया है। तो मैंने सबसे पहले लोबिया लिया है। तो ये लोबिया जो है, ये जब से हम लोग मिडल ईस्ट पहुँचे हैं, हर जगह जो है मैं ये दाल या लोबिया, ये जो सूप होता है यहाँ का लोकल, वो ट्राई करता हूँ नाश्ते में। खास तौर पे बहुत मज़े का होता है और फुल ऑफ एनर्जी होता है। तो ये पूरे दिन के लिए आपको मतलब इतनी एनर्जी दे देता है कि आप जो भाग दौड़ करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जितनी वॉक करना चाहते हैं, ये आपको जो है फुल एनर्जाइज रखता है आपको बेसिकली। तो यहाँ पे लोबिया है, इसमें लवाजमात का गेम है सारा। मसाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने अलग से सुमाक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, वो हमने ऊपर से स्प्रिंकल करके सारी चीज़ें मिक्स करके फिर लिया है। और गर्म है बिल्कुल, जैसे हमारी चाट होती है ना, बिल्कुल वैसे जायका है। लेकिन ज़ाहिर है लोबिया और चने मिक्स हैं तो ओहो, और बिल्कुल सॉफ्ट हैं। उसके साथ यहाँ पे हमने फ्रूट सैलेड लिया है, और यहाँ पे हमने जो है वो ज़्यादा ब्रेड ली है। ये असोटेड ब्रेड्स हैं, क्रोसॉन्ट है नाया के लिए। यहाँ पे ये जो है ये कीश है, ये इंतजार को बहुत पसंद है। उसके साथ यहाँ पे मेरे ख्याल से ये कोई मीठा बन लग रहा है मुझे। और ये जो है ना, ये मज़ेदार चीज़ है, ये हर जगह जॉर्डन में खाई है। तो इसमें मिक्स्ड वेजिटेबल्स हैं और ये सॉसेजेस हैं, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। लेकिन मैं जो है अपना लोबिया एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मज़े का लोबिया भाई। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या था? दरविंदर भाई। दरविंदर भाई, पापा के बेस्ट फ्रेंड का नाम भी। भाई ये होती है हमारे इंडियंस और पाकिस्तानियों की मेरे ख्याल से मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी। हम लोग अभी जॉर्डन में बैठे हुए हैं, यहाँ पे दरविंदर भाई मिले हैं। इंडिया से इनका ताल्लुक है, और कहाँ किस जगह से? इंडिया में आप? अच्छा, तो वहाँ से इनका ताल्लुक है। और यहाँ पे उन्होंने हमारे लिए ख़ास तौर पर जो इंडियन पाकिस्तानी चाय होगी, दूध पत्ती टाइप की, जो वो खुद भी पीते होंगे, हमारे लिए बनाई है। यहाँ पे कोई नहीं पी रहा है इस तरह की चाय, ना यहाँ पे पी जाती है, रिवाज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू।